ये देखिएगा, कुछ इस तरह से टायर चेंज करवा रहा हूँ मैं अपनी गाड़ी। ये आप देख रहे हैं, ये कूड़ा है और आटा बनाने के लिए हमने इस गाड़ी के टायर अपनी गाड़ी में डलवा लूंगा। स्वागत है आपका मेरे एक और व्लॉग में। मेरी जो रज्जो है मैं इसको सेल कर रहा हूँ। सेल करने से पहले मेरी गाड़ी के जो अगले टायर हैं दो, वो खराब हो चुके हैं। 0% मटेरियल उस पर बचा है, जिस वजह से बार बार पंक्चर हो रहा है। और सेल करने से पहले पहले मैं इसके दो अगले टायर डलवाने वाला हूँ, ताकि मेरी गाड़ी अच्छे दाम में बिक जाए। और मैं आपको बता दूं, मैं नए टायर इसलिए नहीं डलवा रहा क्योंकि यार मुझे सेल ही करनी है गाड़ी, तो मैं क्यों ना 80% मटेरियल वाले टायर इसमें डलवा दूं। तो मैंने एक जगह टायर देखे थे जहाँ 80% मटेरियल था, साथ ही साथ मैं अब वो टायर लेने के लिए जा रहा हूँ, फिर अगले टायर इसमें डलवा दूंगा। मेरी जो गाड़ी है फिर वो अच्छे दामों में बिक जाएगी। आपको बता दूं, आप सोच रहे होंगे कि ये नए टायर क्यों नहीं डलवा रहा। नए टायर में इसलिए ही नहीं डलवा रहा क्योंकि मैं गाड़ी को सेल कर रहा हूँ, दूसरी गाड़ी लेने वाला हूँ। कोई सी सोचूंगा कि कौन सी गाड़ी लेनी है, फिर उसके बाद उसी गाड़ी का नाम मैं रज्जो रख दूंगा, फिर ये रज्जो मेरी चली जाएगी। मैं आपको एक और बात बताता हूँ, मैं रज्जो से नहीं जा रहा हूँ, इस बाइक से जा रहा हूँ, अपने वालिद के साथ जा रहा हूँ। मैं और वालिद दोनों साथ जा रहे हैं, तो चलिए गाइस चलते हैं। अभी हम निकल चुके हैं और मैं आपको बता दूं, हम एक ऐसे रास्ते पे गुजरने वाले हैं जहाँ आज लग रहा है शनिवार का बाजार। तो शनिवार का बाजार मैं आपको दिखाऊंगा, इतना तगड़ा शनिवार का बाजार है। ये बड़ा मदरसा आप देख रहे होंगे, इस बड़े मदरसे में सिर के बाल से लेके पैर के नाखून तक हर सामान मिलता है। साथ साथ मैं आपको बता दूं, ये देखिएगा, ये मेरे मामा की दुकान है। और मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे दरी, चादर और लिहाफ, कंबल सब मिलते हैं एक नंबर रेट पे। अभी हम फरीद भाई की शॉप पे पहुंच गए जिनसे हमें टायर लेने हैं, चलिए उनसे बात करते हैं। इस वक्त हम फरीद भाई की शॉप पे, और फरीद भाई की शॉप पे देखिए कितनी गाड़ियां खड़ी हैं। एक ही अल्टो खड़ी है, एक ही डीसीएम खड़ी है। ये आप वेगनार देख रहे हैं, इस वेगनार के टायर में बहुत ज्यादा मटेरियल है, तो हम इसी वेगनार के टायर लेने वाले हैं। दो टायर लेंगे हम और फिर अपनी गाड़ी में लगा देंगे। मैं आपको दिखा दूं, देखिएगा कुछ इस तरह से टायर है। ये देखिए 80% मटेरियल इस पे है और हम यही टायर लेने वाले हैं। अभी हमसे एक छोटी सी गलती होगी, जो फरीद भाई है वो कह रहे हैं कि आपके टायर हमको देने पड़ेंगे और हमारे टायर आपको देने पड़ेंगे, यानी कि एक्सचेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये गाड़ी जो है कट रही है। कटने के बाद इसलिए वो कह रहे हैं कि हमें कुछ ना कुछ तो टायर चाहिए, जिस वजह से हम गाड़ी वहां तक पहुंचा दें जहां गाड़ी कटने वाली है। यही सब प्रॉब्लम की वजह से अब मैं गाड़ी लेने जा रहा हूं, फिर उसके बाद अपनी गाड़ी में इस गाड़ी के टायर अपनी गाड़ी में डलवा लूंगा। फरीद भाई की शॉप से फ्री होने के बाद अभी मैं अपने होम टाउन वाली हॉस्पिटल की बिल्डिंग में आया हुआ हूँ। ये रही मेरी होम टाउन वाली हॉस्पिटल की बिल्डिंग, तो चलिए अंदर चलते हैं। इससे पहले मैं आपको अपने हॉस्पिटल की बराबर वाली एक बिल्डिंग दिखा देता हूँ, जहाँ पे बन रहा है काफी सुंदर मैरिज हॉल बन रहा है हमारी हॉस्पिटल के बराबर में। तो चलिए दिखा देता हूँ, अभी बन ही रहा है, तो ये देखिएगा गाइस, ये इस तरह से कुछ मैरिज हॉल बन रहा है, ये देखिएगा। और अभी इसमें काम ही चल रहा है और हमारी बिल्डिंग जो है ये इस तरह से, अंदर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी मैं आ गया हूँ अपनी बिल्डिंग में और हमारी बिल्डिंग कुछ इस तरह से है, ये देखिएगा। पहले यहाँ हॉस्पिटल हुआ करता था, हॉस्पिटल के साथ इसमें कोटी हुआ करता था और यहाँ पे आईसीयू एनआईसीयू हुआ करता था, ये देखिएगा। और मैं आपको बता दूँ, ये जो है ये जंगल बाग हुआ करता था, काफी बड़ी जमीन है। तो फिलहाल यही है, अब हम जा रहे हैं घर के लिए और कार लेकर आएंगे, फिर से हम अपना टायर चेंज करवाएंगे, फिर ओके करेंगे। ये आप देख रहे हैं, ये कूड़ा है और आटा बनाने के लिए हमने इन भैया से लिया है, तो चलिए चलते हैं। कल हम रज्जो से नहीं गए थे, जिस वजह से हमें वापस आना पड़ा, तो आज हम फिर से अपनी कार लेकर जा रहे हैं, तो चलिए चलते हैं। मेरे से तो गाड़ी परफेक्ट आती है चलाने के लिए, लेकिन मैं अपने वालिद साहब को गाड़ी चलाना सिखा रहा हूँ। ये दे रहे हैं मेरे वालिद साहब, गाड़ी चलाना सीख रहे हैं और मैंने एकदम से ही रोड पे उतार दिया है अपने वालिद साहब को, की लीजिए आप बनिएगा खिलाड़ी। लो भाई, फाइनली हम फिर से पहुंच गए हैं अपना फरीद भाई की शॉप पे, अब टायर हो रहा है चेंज। ये देखिएगा भाई, मैं कुछ इस तरह से अपने टायर को खुलवा रहा हूँ, फिर ये जो नीचे वाला टायर पड़ा है इस टायर को मैं अपनी गाड़ी में लगवा लूंगा, फिर बाद में अपनी गाड़ी ओके करवा लूंगा। तो ये फाइनली नौशाद भी आ चुका है, ये हमारी कर रहा है, ये हमारी हेल्प कर रहा है और गाड़ी भी यही बिकवाने वाला है मेरी। गाड़ी बेचवाएगा, सही बिकवाएगा गाड़ी में, बाकी रखते हैं दलाल हूं ना मैं। तो दलाल तो ही कल्ले देगी तूने मेरी वाली वीडियो। ये जो आप देख रहे हैं, ये रिहान भाई है, ये हमारे बचपन के दोस्त है रिहान भाई। और मैं आपको बता दूं, यही हमारी गाड़ी के टायर ठीक करने वाले हैं, तो देखिएगा, देखते जाइए बाकी। फाइनली अपने टायर हमने डलवा लिए हैं, टायर डलवाने के बाद हम घर भी आ चुके हैं। ये रही हमारी गाड़ी और ये रहे हमारे टायर। और मैं आपको बता दूं कि भाई, अब मैं गाड़ी को सेल करने वाला हूं, कोई हो तो बताना लेने वाला। बाकी आपको हमारा व्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों में शेयर करें। बाकी के लिए धन्यवाद।